अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। पहले ऐसे बेस बनाएंगे, इसके बाद 1, 2, 3 का चैन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बीट की तरह से बनाएंगे। इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे इस तरह से, 1, 2, 3 का चैन बनाएंगे। इसी तरह से ऐसे बीट बनाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे धागे को बल देंगे और नीचे जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 का चैन बनाएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स करेंगे। फिर धागे को बल देंगे 2 टाइम इस तरह से, इस तरह से करेंगे। फिर 1, 2 और ये 3, फिर 1, 2, 3 का चैन बनाए ये देखिए, इस तरह से बीट बनाए। फिर 1, 2 दफ़ा धागे को बल दें, नीचे जाएं, इस तरह से पहले इन 2 धागों में से पास करें, फिर इन 2 में से लास्ट में इसमें से पास करें। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का चैन बनाएं, इसको इस तरह से पलटें और यहाँ पे फिक्स करें। फिर सीधा करें, ये देखिए। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 का चैन बनाएं और ये जो स्पेस है यहाँ पे, जो रिंग बनाए, इसके बीच में से ऐसे पास करें। ये देखिए इस तरह से। फिर 1, 2, 3, 4, 5 का चेन बनाए और इसी रिंग में से पास करें। ये देखिए इस तरह से। फिर 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से 5 टाइम्स यहाँ पे ऐसे रिंग्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए इस तरह से, ये फूल की तरह से बनेगा। फिर ये जो चैन है इसमें इसको फिक्स करेंगे ऐसे सिंगल क्रोशे से इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पे
सिंगल क्रोशे से स्टिचेस बनाएंगे। ये देखिए, फिर इनको नीचे जाके यहाँ पे फिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ऐसे फूल की तरह से बनेगा। फिर वन का चेन बनाए और यहाँ पे ऐसे फिक्स करें। वन टू थ्री, थ्री का चेन बनाए और इस तरह से ऐसे बीट की तरह से बनाए। धागे को बल दें, यहाँ पे डबल क्रोशे स्टिच बनाए इस तरह से। फिर वन टू थ्री का चेन बनाए, ये देखिए इस तरह से बीट की तरह से बनाए। फिर वन टू, टू टाइम धागे को बल दें और इस तरह से नीचे जाएं। वन टू थ्री ऐसे, वन टू थ्री का चेन बनाएं, इस तरह से इसको फिक्स करें। ये देखिए तीन बीट्स हो गए। इसके बाद वन टू, टू का चेन बनाएं, ये देखिए इस तरह से। अब वन टू थ्री फोर, अब इसको इस तरह से पलटें और यहाँ पे ये रिंग बनाए। ये देखिए इस तरह से, फिर वापस सीधा करें और वन टू थ्री फोर फाइव का चेन बनाए और ये जो स्पेस है बीच में, जो रिंग बनाए, इसके बीच में से ऐसे अटैच करें। वन टू थ्री फोर फाइव, दोबारा से ऐसे ही करें। ये देखिए टू रिंग्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव। इसी तरह से ये फाइव टाइम्स इसी रिंग में से पास करेंगे, फिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये फूल बन गया। अब ये जो चेन है इसमें इसको फिक्स करेंगे सिंगल क्रोशे से इस तरह से। अब ये पूरी रो सिंगल क्रोशे से बनाएंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए इस तरह से। अब इनको यहाँ पे नीचे फिक्स करेंगे, ये देखिए। फिर एक का चेन बनाएंगे और इसको आगे जाके अटैच करेंगे। यहीं से फिर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तीन का चेन बनेगा और यहाँ पे बीट बनेगा उसी तरह से जैसे पहले बनाया है, इसी तरह से फिर आगे डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ये देखिए इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन बनता है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगता है।
दुपट्टे पे या किसी भी चीज़ पे बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, ये फूल की तरह से ऐसे बनता है।